मथुरा के थाना माहवन इलाके के ग्राम करम में 25 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को गांव के जंगल में स्थित भूसे की भुर्जी में आग लगाकर जलाने का प्रयास किया गया। भूसे की भुर्जी में मिले युवक के शव से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने आज जले शव को कब्जे में लिया है। पुलिस घटना की जाँच कर शव की शिनाख्त में जुट गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में आम जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा सघन पैदल गश्त किया जा रहा, जिसमें पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक समस्त क्षेत्राधिकारीगण समस्त थानों व चौकियों की पुलिस द्वारा पैदल गश्त के दौरान मुख्यतः चौराहों, बाजार, मुख्य सड़क, सराफा की दुकानों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं व वाहन चेकिंग कर चालान किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एटा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन लाल पर चालकों व परिचालकों ने अवैध उगाही के गंभीर आरोप लगाते हुए आज चक्का जाम की स्थिति बन गई, जिसमें चालकों परिचालकों ने डिपो से सुबह से ही डिपो के अंदर कार का बहिष्कार कर एकत्रित होकर चक्का जाम की तैयारी करते हुए वहीं पर MRM मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं आंदोलनकारी यहाँ तक नहीं रुके कि ARM व सीनियर फोरमैन पर अनगिनत भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि एटा ARM व फोरमैन इस हद तक गिर चुके हैं कि अगर बस में कहीं पंचर हो जाए तो उसके पैसे तक चालक व परिचालक की रिकवरी करा दी जाती। क्या ऐसे अधिकारी की सोच कहां तक जा सकती है, आप यह स्वयं समझ सकते हैं। तो वहीं पर लगाए आरोपों में कहा कि ARM एवं फोरमैन की डिपो से कोई मतलब नहीं, चाहे परिवहन विभाग को मुनाफा हो या ना हो, मगर दोनों अधिकारियों को अपने मुनाफे से मतलब है। तो वहीं पर डिपो में ठेके पर कार्य कर रहे मजदूर मिस्त्री ने भी बताया कि वर्कशॉप में ठेके पर कार्य कराने वाले ठेकेदार अलीगढ़ के हैं, वहां के मजदूरों का पैसा फोरमैन के खाते में भेजते हैं, मगर फोरमैन उस पैसे की कटौती कर मजदूर मिस्त्रियों को देते हैं। अभी 4 महीने से 1 महीने का दोनों अधिकारी डिपो में लूट मचाए हुए हैं। वहीं पर आक्रोशित आंदोलनकारी यह तक नहीं रुके कि उन्होंने ARM मुर्दाबाद के नारे भी जोर जोर लगाने लगे। आपका सर ये जो कह रहे हैं ये समस्या बिल्कुल सही है। वर्कशॉप का हर आदमी पैसा लेता है, लेकिन सर उसकी भी एक समस्या है। वर्कशॉप का पैसा इसलिए लेता है आदमी क्योंकि हमको 200 रुपए मिलते हैं, वो भी 3 महीने चढ़ाव होने के बाद 1 महीने की तनख्वाह मिलती है सर। अब आप बताओ सर, हम इन लोगों से पैसे नहीं लेंगे तो क्या बच्चों को जहर खिलाएंगे? 3 महीने चढ़ाव हो जाते हैं तब 1 महीने तनख्वाह मिलती है। आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती? नहीं मिलती सर, 3 महीने चढ़ाव होने के बाद 1 महीने की मिलती है। और पिछले पांच साल से हम लोगों का फंड कट रहा है सर। ना तक आज तो उसका कोई नंबर दिया गया, ना तक आज तो कोई उसकी कोई रसीद दी गई, कोई भी मतलब उसका कोई उनसे मिलो, वो कहते हैं उनसे, और हम जाना कुछ कहते हैं तो मुझे कहते हैं जहाँ मुख्यालय चले जाओ, जो करवा सकते हो करवा लो। हमारा नाम है विनोद कुमार, एटा डिपो हम का परिचालक है, और हम यहाँ से गाड़ी ड्यूटी सिर्फ 350 किलोमीटर की लेके गए हैं, और इनकी 350 किलोमीटर की बजाय 416 किलोमीटर गाड़ी चला के लाके डिपो में जमा की, तो हमारा पैसा जमा नहीं किया, हमको मतलब 4 बजे तक रोक भी रहे, और जब मेरा पैसा जमा कर लिया गया तो मुझे नौकरी से रोक दिया गया, और नौकरी से रोकने का मेरे ARM का कारण ये है कि उसको 3,000-4,000 रुपए हम दे दें वो मुझे नौकरी पे ले लेगा। ये समस्या लोड फैक्टर 95% मांग रहा, बताओ कहाँ से साफ लाया जाए। ये गाड़ियाँ सब जनता सेवा में चलती है और इतनी सवारी होना बनती है गाड़ी में, और दूसरी बात है अब ये डीजल औसत 5-6 का मांग रहे, कंपनी 4.5 का दे रही है, ये ड्राइवर कहाँ से ला के दे? और उसके बाद इन ड्राइवरों की डीजल पर जो कटौती की जाती है वो सारा पैसा ARM साहब के नीचे जाता है, वो अपने घर ले जाते हैं, और 20 रुपए चेकिंग को लेते हैं, और ATM पे 50 रुपए 100 रुपए वो लोग मांगते हैं। ये सारा पैसा घूम के सब ARM के पास जाता है, और हमारे टायर पंचर पर 150 रुपए लगते हैं, वो यहाँ 1 पैसा नहीं मिलता है, ये सब खा जाते हैं लोग। और यहाँ टायर बदलवाए वो भी तब भी ये पैसे मांगते हैं, अगर चेकिंग में भी 20 रुपए मांगते हैं, बताओ कहाँ से लाया जाए? पैसे मांगता है और हमारे ARM साहब ने जितनी नई गाड़ियां आई हैं उनसे 20-30 हजार रुपए लिए हर ड्राइवर कंडक्टर से, और हमारे ड्राइवर कंडक्टर कहने को तैयार खड़े हैं। सारी गाड़ियां धक्का प्लेट है, और क्राउड रोडवेज में बैटरी नहीं, जो हमारी धक्का स्टार्ट है सब गाड़ी टोटल। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन सर्वेश राजपूत के साथ गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, एटा, उत्तर प्रदेश।
छपरा के गोवर्धन इलाके के जातिपुरा परिक्रमा मार्ग में किराए पर रह रहे डायल 100 के सिपाही ने पड़ोसी पे 7 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जहां पर मासूम बच्चे के परिजनों ने पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ा। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है और FIR दर्ज कराकर आरोपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। मामला थाना गोवर्धन थाना इलाके के जतिपुरा का है, जहाँ पर डायल 100 का सिपाही KP सिंह किराए पर रहता था। दोपहर के उस वक्त डायल 100 के सिपाही KP सिंह ने मासूम बच्चे को अकेला देखकर अपने कमरे में बुला लिया और 7 वर्ष के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। बच्चे की चीख पुकार सुनकर मां ने पुलिसकर्मी को रंगे हाथों कमरे में ही पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी परिजनों को धमका कर मौके से भाग निकला। वहीं पर पुलिसकर्मी द्वारा मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना गोवर्धन में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहाँ पर हर कोई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। कहाँ की रहने वाली हो? गोवर्धन की। अच्छा, किस लिए थाने आई हैं आप? बच्चे के जो बात है वो बता। क्या घटना हुई है आपके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ में क्या घटना हुई? दुष्कर्म किया बच्चे के साथ में। किसने? रंगे हाथ पकड़ा पुलिस वाले ने। मतलब पुलिस वाले ने दुष्कर्म किया, आपने उसको रंगे हाथ पकड़ा? रंगे हाथ पकड़ाया मैंने। फोन नंबर वाले? नाम पता है उसका? KP सिंह। सौ नंबर पे चलते हैं? हाँ जी, 100 नंबर चलते हैं। 4206 मोटरसाइकिल नंबर। अब बोलो। 4206 मोटरसाइकिल नंबर। एक का नाम जानते हैं हम केवल, KP सिंह। तो आपने उनको रंगे हाथ पकड़ा है दुष्कर्म करते हुए? मैंने रंगे हाथ पकड़ा है उसको। कभी घटना है? अभी थोड़ी देर पहले की। थोड़ी देर पहले की। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में की है? हाँ जी, तुरंत कॉल किया हमने पुलिस वाले ने। पुलिस कार्रवाई कर रही है इस मामले? पुलिस की बताने भीतर है। हाँ, कर रही है। पकड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? गोवर्धन। अरे, क्या मामला है, इसलिए थाने आए आप? हम इसलिए थाने आए हैं, ये हम जतिपुर रोड कड़ेर भाई धर्मशाला के पीछे कॉलोनी में, उसमें रहते हैं हम किराए पे। कृष्णानंद बाबा हैं, उनके यहाँ किराए पे रहते हैं हम। ये हमारे सामने किराए पे रहने लगे। कौन? ये 100 नंबर वाले पुलिस वाले। कौन कौन है? इनका नाम तो मैं KP सिंह जानता हूँ बस, और कोई नहीं। अच्छा, बाइक का नंबर जानता हूँ। क्या नंबर? 4206। क्या बात हुई? और ये मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे हम, मतलब मैं अपनी वाइफ को ले गया था सुबह, तो वो कहीं दिखाने गई थी। दिखाने गई थी तो वो बच्चे अकेले थे घर में, अकेले थे। उन्होंने खेलते खेलते चले जाते हैं, इन्हें बेल बाप बना लिया था बच्चे से, तो वो चला गया का। तो वो बच्चा जब भी मेरी घरवाली आई थी वहाँ से, तो उन्होंने मतलब एकदम किच्ची की आवाज़ सुनी बच्चे की आवाज़। अब गई एकदम, तो निकल गया, पता नहीं बोले उसके बाद उसको बताया घरवाली ने। क्या उन्होंने घरवाली ने आपको? अभी तो कुछ नहीं बताया, मैं अभी तो आया हूँ मथुरा। नहीं तो ये सुनने में आया कि उसके साथ में दुष्कर्म का प्रयास किया पुलिस वाले ने। मैं अभी घरवाली से बतवाता हूँ मैं ये बात सब। सर, थाना गोवर्धन में एक सिपाही पर आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कांस्टेबल वहाँ PRV जो UP 100 की PRV इसके ऊपर तैनात थे, और इनके ऊपर आरोप लगा कि इनके द्वारा एक 7 वर्षीय लड़के के साथ थाना गोवर्धन क्षेत्र में, जहाँ ये किराए पर रहते थे, वहाँ दुष्कर्म की घटना की गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से SPRA कंसर्न क्षेत्राधिकारी सभी लोग मौके पर गए हैं। घटना की पुष्टि हो गई है और जो सिपाही है उसको FIR लिख के उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई की जा रही है, और बाकी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो की जाएंगी। साथ ही साथ जो मेडिकल और जो विधिक प्रक्रिया है इस FIR में, उसको किया जाएगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। मथुरा के थाना बलदेव इलाके के कैलाश रोड यमुना की घटना है, जहां पर यमुना में नहाते समय दो लोगों की पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई। मृतक भूरा उम्र 22 वर्ष निवासी बोधरा थाना जगदीशपुर, सौरभ कुशवाहा निवासी बोधरा अपने साथियों के साथ यमुना में नहाने आए थे। घटना बलदेव इलाके की यमुना की है, जहाँ पर बोधरा अग्रे से बलदेव क्षेत्र के कैलाश रोड के पास यमुना में नहाने गए 4 युवक स्नान करते हुए दो लोग भूरा और सौरभ डूब गए। उनके साथियों ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई कि हमारे साथी यमुना में डूब रहे हैं, हमारे साथियों को बचाओ, परंतु घटनास्थल पर गोताखोर न होने के कारण दोनों युवक गहरे पानी में डूब गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने मृतकों के शव को यमुना से बाहर निकाला। आपको बता दें कि बलदेव के कैलाश रोड यमुना में नहाने आए दो युवकों की यमुना में डूबकर मौत हो गई। यमुना किनारे गोताखोरों के कोई प्रशासन
द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है या प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। अगर घटनास्थल पर गोताखोर मौजूद होते तो शायद दोनों युवकों को बचाया जा सकता था। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है भैया? कौन सा काम है? क्या घटना हुई है यहाँ पर? नहाने आए थे। अच्छा, कितनी कितनी उम्र है इन दोनों बच्चों की? एक ही गांव के ये? अच्छा, यहाँ पर क्या करने आए थे? नहाने के लिए आए थे। फिर नहाते समय हो गया ये? अच्छा, फिर आपने ये पुलिस सूचना दी? हाँ जी। अच्छा, तत्काल पता कैसे लगा था जी? आपको पता कैसे लगा? ये तीन लड़के आए थे जी, दो नाने गए थे, एक गया नहीं था, एक भाई। अच्छा, एक बार फोन करा था। अच्छा, कितने बजे की घटना है? साढ़े चार बजे करीब फिलहाल की है। हाँ, जो साढ़े चार बजे घटना हुई है उसके बाद पुलिस नहीं है? मैं आया था, पुलिस यहाँ पे थी पहले। अच्छा, तो ये बाद में बचाते समय गया ये दूसरा भाई? हाँ, दूसरा जो पहले डूब गया था उसके बाद में जो बचाते समय पर दूसरा डूबा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। लखीमपुर खीरी में संत राम प्रधान गुलरिया पर वस्त्र नगर में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराए गए जिसमें 20 से 25,000 रुपए की रिश्वत ली जाती है। साथ ही साथ शौचालय भी मानक के विपरीत बनवाए गए। ग्रामीणों ने इसकी लिखित रूप से शिकायत तथा ग्रामवासियों ने मुख्य विकास अधिकारी खीरी को जाँच करने के लिए आवेदन भी दिया जिसमें शौचालयों में सिंगल गड्ढे का निर्माण कराया गया है जो मानक के विपरीत है। इसकी जानकारी मुख्य विकास अधिकारी को भी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के त्वरित जन सुनवाई केंद्र पर भी शिकायतें दर्ज कराई गई लेकिन अभी तक ग्रामवासियों को सरकार से लेकर अधिकारियों तक न्याय दिलाने में असफल रहे क्योंकि अधिकारी इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि पब्लिक का रोना धोना उनके सामने महत्व नहीं रखता। सरकार के आला अधिकारियों को भ्रष्टाचारी ही महान और सर्वोपरि दिखाई देता है। जनता का विश्वास इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सरकार से उठता जा रहा है। मकान कैसा, कच्चा है पक्का बना? बढ़िया पड़े, तब भी नहीं प्रधान दे रहा है? पैसे मांग रहा है क्या? हमने कही प्रधान जी से, भाई दो हमारी बना दो, लेटरिन बनवा दे। कही बहुआ ने की लौड़िया की आँखी दिखावा तो बनवाई दे। ऐसे कही रहे? ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, बहुत। और कोई टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिस पुंडबर्ग में पकड़े गए तीनों बदमाशों को राजधानी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां पर उन्हें जेल भेज दिया गया। उधर गिरोह के सरगना टिंकू कपाला का पुलिस से पारा नहीं पड़ रहा है। एसपी कलानिधि नैथानी के मुताबिक आईजी रेंज एसके भगत को कपाला कर घोषित इनाम बढ़ाने के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी जिसकी स्वीकृति मिल गई है। कपाला पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कपाला की तलाश में क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और राजधानी पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। संभावित स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही टिंकू को दबोच लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि टिंकू नेपाली से पूछताछ में पता चला है कि उसने कपाला और अन्य साथियों के साथ लूट और हत्या की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इनमें सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी समेत अन्य जिलों में 5 ऐसी हत्याएं की थी जिनका पुलिस रिकॉर्ड में कोई जिक्र ही नहीं है। टिंकू नेपाली से पूछताछ के जरिए पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कि जो हत्याएं हुई थी उनका वर्तमान स्टेटस क्या है। उनके आधार पर पकड़े गए तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर जानकारी में जुट गई है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गुरफान अहमद की रिपोर्ट, लखनऊ।